शुक्रवार को हरियाणा के जिला कैथल के कस्बा डांड में कोरोना के दो मामले सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी मुताबिक दोनों मामलों में 31 वर्षीय व्यक्ति और एक 2 वर्षीय बच्ची है। बताया जा रहा है व्यक्ति आरती का काम करता है और डांड के मेन बाजार कॉलोनी में रहता है और ये व्यक्ति 10 मई को दिल्ली से आया था। परिवार और बाकी घर के सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है। डीएसपी थाना प्रभारी व स्वास्थ्य की टीम ने दौरा भी किया है इलाके का। अरे कुंडू क्षेत्र में हुआ है, 10 तारीख को होम क्वारंटाइन किया गया था इनको। 11 को स्वयं ये जाके क्षेत्र सैंपल दे आए अपना, उसके बाद 13 को सैंपल दिया, 15 को पॉजिटिव आया। इसके सारे फैमिली मेंबर और आसपास के जो कॉन्टेक्ट थे जिससे इसने कजिंग करवाई है, उन सबको हमने एहतियातन क्वारंटाइन कर दिया और इनके अब सैंपलिंग भी करवाई जाएंगे। मेरे लोगों से यही अपील है, पैनिक ना करें और ना ही थोड़ा स्वास्थ्य विभाग का सहयोग से जो भी व्यक्ति अनऑथराइज हॉटस्पॉट एरिया से आ रहे हैं उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें ताकि समय रहते कार्रवाई कर सके। सर कितने लोगों की उम्र क्या है? ये अभी ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल इशू है, अभी मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है सर, क्योंकि पेशेंट की आइडेंटिटी। कितने लोगों को जो है ये अभी चल रहा है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, ये भी अभी इन्होंने नई सूचना दी है, क्यों अभी थोड़ा कॉन्फिडेंशियल इशू है इनकी आइडेंटिटी। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि 2 साल की बच्ची भी कुछ है, हाँ वो पॉजिटिव है, माँ नेगेटिव है, इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा। अभी मैं यानी फिलहाल 2 मामले, हाँ 2 पॉजिटिव हैं, अभी इनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, आप समय की नाजुकता देख रहे हो, फिर मैं बाद में आपसे। थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।